न्यूज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट मीनाक्षी। वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण, एक ऐसा शब्द जो अपने आप में बहुत मायने रखता है, लेकिन सवाल अब भी यही बना हुआ है कि क्या महिला सच में सशक्त है? आर वुमेन रियली एम्पावर्ड? बहुत बड़ा सवाल है। महिलाओं के लिए बहुत टाइम से काम कर रही, ग्राउंड लेवल पे बहुत अच्छा काम कर रही हैं रश्मि पारस्कर। रश्मि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, मैं कहना चाहूँगी कि हमेशा से भारत को एक पुरुष प्रधान देश कहा जाता है एक्चुअली, और महिलाओं को कभी प्रायोरिटी नहीं दी जाती। स्थिति बदली है, हालात बदले हैं, महिलाएं जो है सार्वजनिक तौर पर बहुत जगह पे अपना योगदान दे रही हैं, लेकिन फिर भी हालात कई जगह ऐसे ही बने हुए हैं, और स्पेशली ग्रामीण लेवल पे जो हालात हैं वो वैसे ही हैं। रोज़मर्रा के जीवन में, सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भूमिका सराहनीय है, और एक बढ़ोतरी जो है उसमें योगदान में बड़ी है, चाहे वो दफ्तर का कामकाज हो, चाहे वो खेल जगत हो, चाहे वो राजनीति हो, लेकिन महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व है उसमें कहीं ना कहीं एक रोड़ा कह सकते हैं, एक बहुत सी चीज़ें जो उन्हें फेस करनी पड़ती है। रश्मि जी, आप इतने टाइम से काम कर रही हैं, तो अगर हम एक पहला सवाल पे अगर ये जाएं कि महिलाओं का जो एक रोल है या फिर महिलाओं की जो स्थिति है वो क्या है, सूरत हाल क्या है अभी इस सिनेरियो में महिलाओं का? देखिए, हम लोगों को लग रहा है कि हम लोग, मतलब इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री, हम डेवलप कर रहे हैं, लड़की आगे बढ़ रही है, ओलंपिक में गोल्ड मेडल ला रही है, और मतलब सिनेरियो वैसे देखा जाए तो एक तरफ एकदम अच्छा दिख रहा है, लेकिन फिर दूसरी तरफ ये भी दिख रहा है कि रेप काफ़ी बढ़ रहे हैं। जी, काफ़ी बढ़ रहा है ऐसा मैं नहीं बोलूँगी, सिर्फ ये कि रजिस्ट्रेशन करना, मतलब जो पुलिस स्टेशन में जाके जो रजिस्टर करवाते हैं, आगे आके लोग बोल रहे कि हमारे साथ दुर्घटना घटी, लड़कियाँ आगे आ रही है। जी, तीसरी तरफ ये है कि 2005 से लड़कियाँ जो है वर्किंग फोर्स में, मतलब किसी भी देश का अगर हम देखें कि सूरत हाल क्या है, तो हम जीडीपी देखते हैं, राइट। तो जीडीपी ऐसा कहते हैं तभी बढ़ेगा जब वर्कफोर्स बढ़ेगा, राइट। और 2005 से लगातार अभी 2021 तक महिलाएं कामकाजी के क्षेत्र में नहीं आना चाहती, वर्कफोर्स उनका बहुत कम है, जो 23% था वो 18 तक, right, और उससे भी कम जा रहा है, right। तो ये एक बहुत चिंताजनक बात है, जो वर्ल्ड बैंक से लेके सभी फोरम्स में या हमारे देश के लिए भी चिंताजनक बात है कि वर्कफोर्स में महिलाएं, कामकाजी महिलाओं का, right, जो प्रमाण है वो कम होता जा रहा है। जी। तो इसलिए इस अगर हम देखें तो अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है। जी, ऐसी हालत अभी है। जी, वेरी सैड टू से रश्मि जी की एक सिनेरियो था जब डायरेक्टली मिट्टी तेल डालकर बहू को जलाया जाता था दहेज प्रथा के लिए। शायद चीज़ें बदली हैं, जो महिलाएं हैं वो जागरूक हुई हैं, लेकिन अब इनडायरेक्टली डाउरी कहें या फिर प्रताड़ना कहें, मर्डर्स वैसे ही हो रहे हैं, बट जो डायरेक्ट प्रोपोर्शन था वो शायद चेंज हो चुका है, डायनामिक्स बदला है। जी, जैसे कि एकदम जला दिया जाता था पहले, अभी क्योंकि डाउरी तो अभी भी है, यस, डॉरी गई नहीं है, मतलब पूरी खत्म हो गई, कम हो गई, ऐसा भी नहीं है। फिर एक एक बात ये भी होती है कि कामकाजी अगर लड़की हो तो अच्छी बात है, अगर घर में कमा के लाएगी तो हम दहेज नहीं लेंगे, हमारे ही घर में पैसे आने वाले हैं, इस टाइप की भी एक बात होती है। तो एक्चुअली बात ये है कि थोड़ा डायनेमिक्स बदला है, इसके अलावा कुछ नहीं है। आज ही एक रिपोर्ट, मतलब अभी फिलहाल में एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है इंडिया में, उसमें उन्होंने कहा है कि जो पढ़ी लिखी कामकाजी महिलाएं हैं उनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस ज़्यादा होता है, और ये रिपोर्ट बता रही है, ये रिपोर्ट बता रही है, वो हिंसा का शिकार ज़्यादा होती है, क्योंकि वो एम्पावर्ड है, वो बोलती है, और हमारे यहाँ पे औरतों का, औरतों ने बोला तो वो सुनने की आदत नहीं है, हमारे लिए वो बहुत अटपटी सी बात है, तो उसके इसीलिए वो वायलेंस का शिकार ज़्यादा होती है। जी, रश्मि जी, कहीं ना कहीं चीज़ें बढ़ रही हैं, भले एम्पावरमेंट बढ़ चुका है, महिलाएं अब अपने हक के लिए लड़ना शुरू कर चुकी हैं, आगे आ रही हैं, लेकिन एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हकीकत ये है कि रेप केसेस कम नहीं हो रहे, रेप बढ़ रहे हैं, और रेप के साथ साथ जो घिनौनापन है वो बढ़ रहा है। अगर निर्भया की बात करें तो निर्भया के बाद से घिनौनापन एकदम से सामने आया। पहले रेप होते थे, रेप हो गया है किसी का, ये पता चलता था कि किसी के साथ ऐसी चीज़ हुई है, लेकिन अब वो रेप के बाद वो जो घिनौनापन है वो ज़्यादा सुनाई दे रहा है।
इसके पीछे क्या लगता है आपको, ऐसा क्यों होता है? देखिए, हमें को लगता है कि जिनका मतलब जिन्होंने ऐसी घिनौनी हरकत की है रेप जैसी, उनके साथ बुरा से बुरा बर्ताव होना चाहिए जी। तो डर के मारे घिनौनापन आने का एक कारण ये भी बतलाया जाता है कि डर के मारे वो लोग क्या करते हैं, जो विक्टिम है उसको मार ही देते हैं कि प्रूफ ही ना मिले कि रेप किसने किया है। अग्रीड। तो इसकी वजह से ये जो जो गंदी हरकतें हैं या जो बहुत ज्यादा वायलेंस है या लड़की को मार ही डालना रेप करके, ये बढ़ रहा है जी। दूसरी बात है, रेप बढ़ रहे हैं, ये एक मतलब ये एक अंडरस्टेटमेंट है, क्योंकि रेप तो थे ही और अभी भी है, और रादर ऐसा है कि झुग्गी झोपड़ियों के रेप तो दर्ज हो जाते हैं, लेकिन जो वाइट कॉलर पीपल है या जो रिच लोग हैं, जो उनके यहाँ पे जो रेप होते हैं या जो जो भी यौन शोषण होता है वो कभी दर्ज नहीं होता है। सभी औरतें मतलब झुग्गी झोपड़ी की औरत सेफ है, और जो महल में रही है, बैंगलोर में रह रही है या इकोनॉमिकली एम्पावर्ड है, उसका यौन शोषण नहीं हो रहा है। कहीं कई जगह पे उसका बॉस कर रहा है, कई जगह पे उसको बिजनेस के लिए अंडर द टेबल मोलेस्टेशन केसेस काफी बढ़ रहे हैं, बहुत ज्यादा है। लेकिन एक है कि रिकॉर्ड करने का जो रेट है वो बढ़ रहा है, रेप केसेस बढ़ रहे हैं ये कहना गलत होगा, रेप केसेस थे ही जी, रिकॉर्ड करने का जो रेट है वो बढ़ रहा है। क्या लगता है आपको कि ये रिकॉर्ड होते हैं उस पर कई बार सुनवाई होती है, कई बार बहुत साल लग जाते हैं, ये जो अमेंडमेंट्स के जो प्रोसीजर है इसके बारे में आप कितने टाइम से काम कर रही हैं, तो आपने इस पर बहुत अच्छी स्टडी की होगी। हाँ, देखिए, प्रूफ करना बहुत ही मुश्किल बात होती है, रेप को प्रूफ करना वेरी ट्रू, ये मुश्किल, क्योंकि उसमें ऐसा रहता है जिसके भवरी देख भी है, जो लैंडमार्क केस मानी जाती है और अभी भी देखो वो लड़ रही है, जो लैंडमार्क केस है जिसकी वजह से विशाखा गाइडलाइंस और ये सब हुआ, वर्क प्लेस पे जो सेफ्टी ये सब चीजें अब लाई गई यहाँ पे हमारी गवर्नमेंट लाई, तो उसमें भी देखेंगे कि वो केस में अभी तक कुछ न्याय नहीं मिला है। हमारे यहाँ पे मनोरमा कामले की हुई है बहुत सालों पहले, अभी तक उसका मतलब कुछ हुआ नहीं है, तो एक दबाव सा बनता है और उसके बाद में चीजें जो है वो नॉर्मल सी हो जाती है, और उसके लिए जो फास्ट ट्रैक कोर्ट में काम होना चाहिए जिस प्रकार से, और सबसे पहले मतलब क्योंकि वी आर नॉट अवेयर कि अगर कुछ गलत घटना घटती है तो पता नहीं रहता हमें लड़कियों को या औरतों को कि पुलिस स्टेशन में पहले जाना चाहिए, नहाना नहीं चाहिए, पहले मेडिकल एग्जामिनेशन करवाना चाहिए, कपड़े वैसे ही रखने चाहिए, तो फिर वो प्रूफ नहीं मिल पाते क्योंकि इतना अवेयरनेस है नहीं। वेरी ट्रू। हाँ, वेरी ट्रू। क्या लगता है गवर्नमेंट किस लेवल पे काम कर रही है, क्योंकि अभी अगर हम हक की बात करते हैं तो हक के लिए काफी सारी योजनाएं हैं, अब वो कितनी परसेंटेज अमल में लाई जा रही है, कितना उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, कितना उसका फ़ायदा लिया जा रहा है, ये तो एक नोट्स पे बहुत लंबा प्रोसीजर है और उसके रिकॉर्ड्स भी काफ़ी लंबे, लेकिन क्या लगता है आपको कि हम जन जागृति के लिए उतने कारगर साबित हुए हैं, अगर हम अवेयरनेस की और जन जागृति की बात करें और महिलाओं के अधिकार की जब हम बात करते हैं, तो क्या हम उस लेवल तक पहुँचे कि महिलाओं को उतना अधिकार दिलवा सकते हैं? देखिए, अब जैसे कि निर्भया फंड आया हुआ है जी, है ना, योजनाएं हैं, मनोधैर्य योजना है, निर्भया फंड है, महाराष्ट्र में पिछले 3-4 सालों से निर्भया से एक रुपए का भी अनुदान या फंड किसी भी औरत को दिया गया नहीं है, विच इज वेरी शॉकिंग, सबको पता नहीं है ये बात, और जबकि ये फंड मतलब आया ही नहीं है। आया क्यों नहीं है? क्योंकि उससे पहले वो फंड वापस गया है। ओके। और हम देखते हैं कि रेप विक्टिम्स तो रेप तो हो रहे हैं, लेकिन फंड्स जनरेट हो रहे हैं जी, लेकिन वो यूटिलाइज ही नहीं हो रहे हैं, तो कितनी बड़ी गैप है। देखिए आप, जरूरतमंद लड़कियां हैं जिनके साथ सच में कुछ बुरा हुआ है, तो लेकिन उनके पास फंड ही नहीं पहुंच पा रहे हैं और वो वापस जा रहे हैं। वेरी ट्रू। तो ये एक बात है कि जिसके बारे मतलब खुद सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि क्यों वापस आ रहे हैं, हमें बताओ, सुप्रीम कोर्ट ने खुद के इसके ऊपर एक एक्शन लिया हुआ है, एंड वी आर वेटिंग कि अब वो क्या इसके बारे में बोलते हैं। तो ये बहुत बड़ा गैप है ऐसे मुझे लगता है। यस, आप बहुत रूट लेवल पे काम करती आ रही हैं इतने टाइम से, और गढ़चिरौली जैसे एक ग्रामीण लेवल पे वहाँ समस्याएं बहुत हैं, समस्याओं का अंबार लगा हुआ है, क्या ऐसी समस्याएं जो सबसे ज्यादा सुनाई देती हैं और आपको
वो समझ के और सुन के काम करने में आपको लगता है कि अब ये इतनी ज़्यादा चीज़ हमने कभी सोची नहीं थी, तो गढ़चिरौली लेवल पे ऐसी कौन सी समस्याएं सबसे ज़्यादा दिखाई देती हैं गढ़चिरौली लेवल में? और जो अर्बन पार्ट है, जो शहरी भाग है जी, उनको लेके अलग 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 स्वरूप है समस्याओं का। हम ऐसे नहीं कह सकते कि एक ही टाइप की समस्या है। गढ़चिरौली में माल न्यूट्रिशन है, कुपोषण है। गढ़चिरौली में विमेन आर एम्पावर्ड। हाँ, एक शहरी औरत से वो अपने डिसीजन इंडिपेंडेंटली काफ़ी हद तक ले सकती है। मॉर्टेलिटी रेट हाई है, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, और जो गर्भवती महिला है या जो बच्चा होने के बाद जो उसका मॉर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा है, तो उनकी समस्याएं काफ़ी अलग है। एम्प्लॉयमेंट नहीं है, ये बात तो है, लेकिन उनके यहाँ पे जो है हेल्थ इश्यूज ये ज़्यादा सीरियस है। ट्रांसपोर्ट है या फिर शिक्षा की सुविधा नहीं है, ये प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा है। और शहरी महिलाओं के लिए अपने उनके अधिकारों का हनन हो रहा है, वो अपने राइट्स फुल्ली नहीं एग्जिबिट कर पा रही है, अपने राइट्स फुल्ली जो उन्होंने पूरी तरह से एग्जीक्यूट करने चाहिए वो नहीं कर पा रही है, और शहरी महिलाएं सेफ नहीं है। हाँ, सेफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चरल इश्यूज से जूझ रही हैं जी, और घर में भी सेफ नहीं है और बाहर भी सेफ नहीं है। तो क्या लगता है आपको ग्रामीण लेवल पे उस तरह का कार्य हो रहा है कि महिलाओं को उतना सशक्त बनाया जाए? नहीं, माल न्यूट्रिशन की समस्या तो मेलघाट में भी है, गढ़चिरौली में भी है, उड़ीसा के कोरापुट में भी है। तो ये सब तो ये बहुत ही पॉवर्टी रिडन पॉकेट्स है कि जहाँ पे कुछ कितना भी आप पैसा डालते जाओ लेकिन वो ब्लैक होल की तरह है। पैसा खाया जा रहा है, हो कुछ नहीं रहा है, कहाँ जा रहा है समझ में नहीं आ रहा है। एग्जैक्टली, महिलाओं के साथ ऐसी कई समस्याएं अनगिनत हैं, एक्चुअली लड़ रही हैं, लेकिन समस्याओं का जो है वो लिस्ट ख़त्म नहीं होती है। वो चाहे इनइक्वालिटी हो, वो चाहे ऑफिस में उनकी जेंडर इनइक्वालिटी हो, चाहे डिस्क्रिमिनेशन हो, आपको क्या लगता है कि महिलाओं के साथ सच में डिस्क्रिमिनेशन वैसा वाला बिहेवियर होता है आज भी? बहुत ज़्यादा होता है, एक्सपेक्टेशंस भी अलग होती है महिलाओं से, वर्क प्लेस पे भी बहुत ज़्यादा होता है, और वो कुछ बोल नहीं पाती है जी। तो ये बात तो बहुत है जगह जगह पे, मतलब ये तो सभी जानते हैं कि घर में ऐसे भी परिवार हैं, भारत में ऐसे कई लाखों करोड़ों परिवार हैं जहाँ पे लड़की को अलग खाना दिया जाता है, लड़के को उससे अच्छा खाना दिया जाता है। इससे लेके अगर एक शहरी, हम अगर इमेजिन करें कि एक शहरी शहर में रहने वाली फैमिली है और बच्चों लड़की और लड़के की तरफ सेम ही ध्यान दिया जाता है, फिर भी लड़कियों के प्रेशर्स अलग होते हैं, लड़कों के ऊपर प्रेशर्स अलग होते हैं, और लड़कियों के ऊपर ज़्यादा प्रेशर्स होते हैं। उसको खुद को प्रूव भी करना होता है, उसको खुद को सेफ भी करना होता है, वो उसको वो घूमने फिरने की और डिसीजन लेने की आज़ादी उसकी पढ़ाई होने के बावजूद भी उसे नहीं दी जाती है, जो कि लड़कों को आमतौर पे बहुत इजीली मिल जाती है। तो ये समस्याएं हैं कि उनको एम्पावर्ड करने के बजाय हम उनको बंधन में बांधने की कोशिश करते हैं। तो ये सबसे बड़ी समस्या है जो शहरी लड़कियां जूझ रही जी। वुमेन्स आर रेडी टू टेक द डिसीजंस, अभी हालात जो हैं वो थोड़े बदले हैं। यस, हर जगह नहीं कहेंगे, वो चाहे सिटीज़ में भी, भले ही सिटीज़ में महिलाएं एजुकेटेड हैं, फिर भी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे आपने कहा कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बाहर पे वो दब जाती हैं, बहुत सी चीज़ें नहीं कर पाती हैं या फिर सोच में पड़ जाती हैं। लेकिन अभी महिलाएं जो हैं वो डिसीजंस लेने के लिए हमेशा तैयार हैं, वो दो बार नहीं सोचती हैं। अगर उन्हें एक डिपेंडेंट होना है तो वो चाहे उनकी मैरिटल रिलेशनशिप में कोई तकलीफ क्यों ना हो, वो अपना डिसीजन लेने के लिए तैयार हैं। लेकिन एक महिला को सशक्त बनाने के लिए किन बातों की ज़रूरत होनी चाहिए, आपको क्या लगता है? अलग अलग स्तर पे, जैसे मैं कॉलेज में पढ़ाती हूँ तो मुझे ये ध्यान में आता है कि जैसे कि अगर एक लड़की के पीछे कोई लड़का लगा तो वो घर में नहीं बता पाती क्योंकि कॉलेज बंद हो जाएगा, वेरी ट्रू, या फिर उसी को ब्लेम किया जाएगा। और अगर वो टॉलरेट करती है तो वो लड़के की हिम्मत बढ़ती है। तो एक टीनेज लड़की के लिए ज़रूरी है कि उसे पता होना चाहिए कि अपनी खुद की सुरक्षा कैसे करनी है, किन हालातों में किस प्रकार से उसको डील करना है। वेरी ट्रू। तो इस जैसे कि उदाहरण के तौर पे बताना चाहूँगी, एक लड़की थी मेरे कॉलेज में, उसने कहा कि एक लड़का मुझे मेरे पीछे पढ़ता है, तो मैं वो उसके आने जाने के रास्ते पे पुलिस स्टेशन था, तो उसने कहा कि मैं पुलिस स्टेशन चली गई तो पुलिस वालों ने मुझे डांटा।
कि क्यों तुमने तुम आई, अकेली आई, घर वालों के साथ भी नहीं आई, देखो तुम्हारी इतनी हिम्मत है कि तुम पुलिस स्टेशन अकेली जा सकती हो, तो तुम तो कुछ भी कर, तुम तो मतलब क्या ही चीज़ हो, और तुम वो लड़के को बोल रही हो तुम खुद ही वैसी होगी। तो वो रो रही थी, तो मैंने कहा कि लड़का कॉलेज का है क्या? तो सौभाग्यवश लड़का कॉलेज का था। मैंने कहा ऐसा होगा तो सिर्फ तू इसे बता दे कि मैं मैम को बताऊँगी, प्रिंसिपल को बताऊँगी, तो कॉलेज से रेस्ट्रिकेट हो जाएगा, तो वो रुक जाएगा। तो वैसा हुआ भी, कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, सिचुएशंस को कैसे हैंडल करना है उतना ही सीखना है। दूसरी बात है, मतलब ये है, तो दूसरी बात है अगर किसी लड़के के ऊपर ऐसी परिस्थिति है, वो ऐसे सिचुएशन में फंसी हुई है कि उसको लग रहा है कि वो सेफ नहीं, जैसे कि मैं बताना चाहूँगी कि जो हैदराबाद में जो ये हुआ था प्रियंका करके लड़की का जो था रेप हुआ था, तो वो वहाँ पे उसने अपनी बहन को फोन किया था कि मुझे ना सेफ नहीं लग रहा है, और फिर उसको देखे जला भी डाला, वो पकड़े भी गए, उनका एनकाउंटर भी हुआ, वो जो थे अपराधी उनका एनकाउंटर भी हुआ, वो मारे भी गए, लेकिन बच्चे के बेवजह जान चली गई। एक अच्छे डॉक्टर मिलने वाली थी, हम एक भारत में होने वाली थी, तो उस वक्त अगर उसके बहन ने या उसने एक हेल्पलाइन को कॉल कर दिया होता, हेल्पलाइन नंबर उसको लर्न करवा दिया होता, या वो नहीं कर सकती है, उसने हेल्पलाइन नंबर कभी बहुत बार एंगेज आती है कुछ होता है, तो हेल्पलाइन नंबर सिर्फ लड़कियों के लिए स्टेट लेवल की भी है, नेशनल लेवल की भी है, विमेंस कमीशन ने भी की हुई है, 1098 पे भी कॉल कर लिया, 100 पे करना जरूरी नहीं, 112 पे कर लिया, 4-5 नंबर गिनवा दो। बहन है अगर, ये नहीं एक बार कर दिया कॉल और बहन को बता दिया, तो बहन कहेगी कि मेरी बहन यहाँ यहाँ इस जगह पे, वो हमेशा यहाँ गाड़ी पार्क करती है, और आप उसको बता दो, उसको कुछ भी कैसे भी करके हेल्प करवा दो। तो ये जो है ना, तो ये जो सपोर्ट सिस्टम है, या फिर सबसे बढ़िया सेफ्टी है, क्योंकि हमें क्या, अब लड़की पढ़े भी, लड़की जुगो कराटे भी सीखे, और हम सोचे कि 4-4, 8-8 लड़के अगर उसके सामने आए तो वो मर्दों से लड़े भी, चूँकि फिजिकली पॉसिबल नहीं है, तो उसमें एक पेपर स्प्रे आता है, 200 रुपये का आता है, 150 रुपये का आप घर में भी बनवा सकते हो, 400 रुपये का भी आता है, 200 का अमेजोन पे या कोई भी प्लेटफॉर्म पे मिल जाता है, आप घर में भी बनवा सकते हो पेपर स्प्रे। तो वो अगर हमने रखा, और अगर लग रहा है कि ऐसा, जैसे उसे लगा था वो हैदराबाद केस में, कि उसे लगा था कि मैं सेफ नहीं हूँ, तो फट से निकाल के ओपन करके रखा, और इट्स जस्ट लाइक अ डिओडोरेंट, तो हमने अगर वो स्प्रे कर दिया, तो 15, 25, 50 कितने भी लोग वहाँ पे हो, आधा घंटा कुछ नहीं कर पाते, 10 मिनट में लड़की को मिल गए तो वो भाग सकती है। True that. तो आधा घंटा पेपर स्प्रे का इफेक्ट रहता है। Very true. तो इतनी छोटी सी चीजें है कि जिसके लिए हमें शक्ति की नहीं, दिमाग की जरूरत है, और सिचुएशन देख के फट से एक्शन लेने की जरूरत है। जी, तो हर एक लड़की के लिए अलग है, अगर कोई घरेलू महिला है या अगर कोई वर्किंग है, उसको अगर उसका बॉस तंग कर रहा है, तो उसे पता होना चाहिए कि मुझे किस तरीके से उसे हैंडल करना है। Very true. और मेरे मतलब एक धमकी काफ़ी होती है मर्दों के लिए, क्योंकि उनके लिए भी छवि बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो कामकाजी महिलाएं हमेशा ध्यान में रखें कि ज़रूरी नहीं कि विशाखा का गाइडलाइंस के हिसाब से आप ऑफिस में एकदम कंप्लेन करें, लेकिन एक धमकी से भी काम हो सकता है, या फिर यू कैन हैंडल द सिचुएशन, कहीं किसी को लेके जाओ, या कुछ ना कुछ कुछ बफर क्रिएट करो कि वो आदमी आप तक ना पहुँचे, फिर भी पहुंचा तो, जैसे किसी को चैट्स आते हैं, तो अगर उसमें देखिए आपके ऐसे ऐसे चैट्स हैं, और ये बहुत ऑफेंसिव करके मैं मतलब ऑफेंसिव करके कोई भी महिला बोल सकती है और आपके खिलाफ कंप्लेंट कर सकती हो, तो सर क्यों आप ऐसे एसएमएस डालते हो, ऐसे इनडायरेक्टली धमकी भी ली जा सकती है। लव यू दीपिका, बाय। सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए।
फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी, 1 degree 3 job opportunities. फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटका बैंक, नागपुर। क्योंकि ऑफिशियल गोइंग महिलाओं को कास्टिंग काउच के भी बहुत सारे केसेस हैं, उससे दुबर होना पड़ता है। जैसे कि आपने कहा कि स्टेप तो लेती हैं महिलाएं, लेकिन वहां पर आपको मोरल आपका डाउन कर दिया जाता है। जैसे कि जो आपने एक एग्जांपल बताया पुलिस स्टेशन का, कि पुलिस वालों ने कहा कि तुम ऐसा XYZ जो भी रीजंस दिए, तो यहां मुझे लगता है कि यहां खड़े होने की जरूरत है बाकी लोगों ने भी। अगर महिलाएं अपना स्टेप फॉरवर्ड ले रही हैं अपने लिए, तो उन्हें आपको मोटिवेट करने की जरूरत है, ना कि उनका मोरल डाउन करने के लिए। अगर हम पुलिस वालों से ही एक्सपेक्टेशंस रखेंगे या फिर ऐसा रिस्पांस मिलेगा, तो आगे महिलाएं और क्या करेंगी? वो कोशिश तो कर रही है, लेकिन उसे कोशिश करने नहीं दी जा रही है। जी, इसमें तो देखिए, इसमें तो पूरा मतलब कई सारे फैक्टर्स हैं। जैसे कि देखिए, इसीलिए हम मांग करते हैं कि महिला पुलिस स्टेशन हो। हम आबादी का 50% हिस्सा है, तो क्यों नहीं हमें अलग से पुलिस स्टेशन दिया जाता? आई एग्री। क्योंकि और फिर क्या होता है, जैसे भरोसा सेल जैसे प्रयोग किए गए हैं जो कि सक्सेसफुल में है, लेकिन उनके ऊपर इतना प्रेशर रहता है, क्योंकि सीनियर सिटीजन कहाँ जाएंगे? पुलिस स्टेशन में गए तो वो भरोसा सेल को रेफर करते हैं। कोई भी चीज़ हो तो वो भरोसा सेल के ऊपर इतना प्रेशर हो गया है कि और पूरे नागपुर में कितने भरोसा सेल हैं? वेरी ट्रू। एक ही है। एक भरोसा सेल पूरे नागपुर के लिए, जिसकी आबादी कितने लोगों को न्याय दिला पाएंगे, लाखों की आबादी के लिए नहीं। तो हमें जैसे कि अभी बरगी पुलिस स्टेशन में भी एक हुआ है कि उन्होंने एकदम चाइल्ड फ्रेंडली और विमेन फ्रेंडली पुलिस स्टेशन किया है, बहुत अच्छे से सजाया है, बच्चों के खिलौने रखे हैं कि अगर माँ अगर आए कंप्लेंट करने तो बच्चे वहाँ खेल सके, और उनको भी एक अगर लड़की भी आए तो प्लेजेंट एटमॉस्फेयर है। जेंडर सेंसिटाइजेशन वर्कशॉप्स भी होते हैं पुलिसों के, वो तो कंपल्सरी उनको करने ही पड़ते हैं, लेकिन वो एक फॉर्मेलिटी के तौर पर होते जाता है। इसीलिए हमारी मांग है कि आप काउंसिलिंग सेंटर्स बढ़ाएं, जैसे भरोसा सेल है वो बहुत ज़्यादा हो, और महिला पुलिस स्टेशन जी। और है भी कुछ स्टेट्स में है ही, लेकिन अभी महाराष्ट्र में नहीं है। वेरी ट्रू मैम। सेक्सिज्म, रेसिज्म, जातिवाद जैसे कहते हैं, और जेंडर इनइक्वालिटी, ये मुद्दे तो हमेशा से चर्चा में रहे जी। इसमें आपको क्या लगता है कि कितने परसेंटेज ये जो महिलाएं हैं इससे दुबर होती हैं, और क्या इसका सिनारियो है? नहीं, ये तो धीरे धीरे बदलेगा, और बदलाव ऐसी चीज है कि जो हमें खुद को लानी है। वेरी ट्रू। समाज बदलेगा और फिर कुछ होगा, हम ऐसे नहीं सोचते कि तो हर लड़की की जिम्मेदारी है कि वो अपने फैमिली को बदले। वेरी ट्रू। इसके लिए फिर स्कूल कॉलेजेस में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि बहुत जेंडर सेंसिटाइजेशन वर्कशॉप्स हो, लीगल अवेयरनेस जो है लड़कियों का वो बढ़ाया जाए, उनको बताया जाए कि कौन से कानून हैं, अगर वो बाहर हैं तो उसके लिए कौन से कानून हैं, अगर वो घर में कोई हिंसा का शिकार हो रही है तो कौन से कानून हैं, और उसे किस तरीके से, क्योंकि कोई भी लड़की नहीं चाहती उसका घर टूटे। आज तक मैंने ऐसी लड़की नहीं देखी जो चाहती है मेरा घर टूट ही जाए, लेकिन उसको अगर वो कुछ एक्शन लेती, अगर वो पुलिस स्टेशन में जाती, जैसे हम भी उसको बताते हैं कि अगर तू पुलिस स्टेशन में गई तो तेरा मैरिड लाइफ खत्म, क्योंकि वो लोग सह ही नहीं पाएंगे कि लड़की ने हमारे घर की बहू ने पुलिस स्टेशन में हमारे कंप्लेंट की, तो तेरा मैरिड लाइफ खत्म, तो वो खुद नहीं जाना चाहती। तो इस स्थिति में उसको पता होना चाहिए कि कैसे टैकल करें, मेरे लिए लॉस कौन से हैं। और अगर पुलिस स्टेशन में लड़की जाती है तो हमारा नजरिया भी बदलना जरूरी है कि वो लास्ट स्टेप ही होता है, क्योंकि उसको पता होता है कि ये सब टूट जाएगा, उसे अच्छी तरह से पता होता है कि ये सब टूट जाएगा, और उसके बाद ही वो ये स्टेप ले सकती है। तो वो बहुत लास्ट स्टेप रहती है। तो हमें भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए जैसे हम सोचते हैं। तो मैं अनुभव के तौर पे मेरे खुद का अनुभव बता रही हूँ कि ऐसा नहीं होता है कि लड़की कभी भी अपना घर तोड़ना चाहे,
वो लास्ट स्टेप करके पुलिस स्टेशन जाएगी, कंप्लेंट करेगी या डिवोर्स फाइल करेगी या धमकी देगी, मतलब वो उसका उसका जो भी टॉलरेंस लेवल हो वो उसके बाहर बात जा चुकी है। वेरी ट्रू। हम बहुत स्ट्रांगली रश्मि मैम हम लोग फेमिनिज्म की बात करते हैं जी। क्या सच में वो हम लागू करते हैं खुद पे? और कहीं ना कहीं पेट्रियार्की का जो बोझ है वो बहुत ज़्यादा है। वो तो सभी पे है ना। लड़के को स्ट्रांग दिखना है, लड़के को कमाना है, लड़के को अपने घर में सबसे ज़्यादा कमाना है, लड़के को अपनी औरत से ज़्यादा कमाना है। प्रेशर तो लड़कों पे भी है, तो हम उनके प्रति भी थोड़ी सिंपैथी दिखा रहे हैं। बिल्कुल है, बिल्कुल है, हम उनपे कभी ऐसा एक पिन पॉइंट नहीं कर रहे हैं। जब हम महिलाओं पैट्रियार्की का बोझ हम सब पे है। यस। क्योंकि अगर मतलब पति कम कमा रहा है तो वो कुछ ना कुछ करके बोलेगी कि नहीं ये इनका तो ऐसा है, इनका तो ऐसा है, ऐसा करके वो शो मेंटेन करेगी। आई एग्री विद यू। हाँ, तो पैट्रियार्की का प्रेशर तो सभी पे है कि मेरे जेट से ज्यादा मेरा मेरे पति कुछ कम ना लगे। exactly. है ना। तो लड़कों के ऊपर भी है, लड़कियों के ऊपर भी है, मर्दों के ऊपर भी है, औरतों के ऊपर भी है। तो पैट्रियार्की तो है ही ऐसी चीज को जो हमें सता के ही छोड़ेगी, जो हमें सुखी नहीं रहने देगी, हमें फ्री माइंड हमारा कभी होने नहीं देगी। ये तो है, ये कहीं ना कहीं इसे शायद बैलेंस होने में, खत्म होने में तो बहुत ज्यादा वक्त लग जाएगा, लेकिन समय बदला है, हालात बदले हैं रश्मि मैम। कहीं ना कहीं आवाज जब महिला उठाती तो उनके साथ पुरुष भी अब उनका साथ दे रहे हैं जी। वो चाहे उनके हस्बैंड हो, चाहे उनके भाई हो, वो चाहे भाई बंधु हो, आवाज जब महिलाएं उठा रही हैं तो उनका सपोर्ट पूरा किया जा रहा है। लेकिन एक तबका ऐसा भी है जहां महिला अकेले आवाज उठा रही है तो उनको पीछे से कोई सपोर्ट नहीं है। हाँ, इस पे आप क्या कहें? जी देखिए, जैसे कि रेप केसेस हो रही है तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि सोशल प्रेशर बढ़ रहा है कि औरतों के साथ ऐसा ना हो। ये एक बहुत पॉजिटिव सी चीज़ है कि हम लोग सोच रहे कि नहीं ये बुरी बात हो रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये बदलाव है। दूसरा बदलाव ये है कि जैसे मैंने कहा कि औरतें आ रही हैं आगे और दर्ज करवा रही है केसेस, तो ये एक बदलाव है। जहाँ बदलाव नहीं है वो है घरेलू जो स्ट्रक्चर है उसमें कई बार हमें दिखता है, मतलब हाँ ऐसा है, जैसे खास करके अगर आईटी सेक्टर में है तो दोनों भी काम कर रहे हैं और फिर घर का हाथ बटा, या फिर बच्चा है तो 6 महीने सास ससुर जा रहे हैं, 6 महीने पेरेंट्स जा रहे हैं लड़की के और वो बच्चे को संभाल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये तो है। लेकिन फिर भी जो हमारा हमारी जो मानसिकता है वह उसको लेके हम अभी भी बहुत पिछड़े हुए हैं। वो कहीं ना कहीं हमारी, क्योंकि जैसे हमारे घर में अगर एक बहू है और अगर एक बेटी है तो हम वो जो औसास है उसका नज़रिया और रवैया बेटी के प्रति और बहू के प्रति अलग होना ही होना है। बहुत ही कम, मतलब मैं ऐसा नहीं कहती कि सभी बुरी है, लेकिन नज़रिया काफ़ी हद तक अभी भी बहुत सारी औरतों का या बहुत सारे मर्दों का या फैमिली स्ट्रक्चर में नज़रिया लड़कियों की तरफ देखने का, वीक सेक्स जो कमज़ोर है ऐसा देखा जाता है, पार्शल जो रेशियो है वो अब भी है। जबकि नेचर ने ऐसे गिफ्ट दी है कि जैसे एक एक कोई क्रिटिकल सिचुएशन में अगर छोटा इन्फेंट, छोटी बच्ची या छोटा बच्चा है तो बच्ची में ज़्यादा रहता है कि वो सर्वाइव करे, और अगर लड़का होगा तो वो नहीं सर्वाइव करेगा माँ की पेट से बाहर निकल के अगर कुछ होता है। लेकिन लड़की को कुदरत ने इतनी शक्ति दी है कि उसमें सर्वाइवल की जो स्ट्रेंथ है वो ज्यादा है। तो हम ये बात उनके सामने कभी लाते ही नहीं है। वेरी ट्रू। क्योंकि देखो वो दूसरे घर जाके सर्वाइव होती है, वहाँ पे वो अपना स्थान बनाती है, तो उसमें बहुत ज्यादा सर्वाइवल स्किल्स बहुत ज्यादा रहता है। हाँ, सुसाइड्स भी कम दिखेंगे महिलाओं में, हार्ट अटैक्स भी महिलाओं में कम दिखेंगे मर्दों से ज्यादा, अगर हम स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो सर्वाइवल स्किल्स उसमें बहुत ज्यादा है जी। डिप्रेशन उसमें कम होगा जितने मर्द डिप्रेशन में। इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, अगर बहुत ज्यादा उस पे प्रेशर, फ्रस्ट्रेशन, पार बहुत सारी चीजें हैं तब वैसे केसेस समझ में आते हैं। लेकिन नेचर ने उसको जो बनाया है वो सर्वाइवल के लिए, क्योंकि उसको अकेले को सर्वाइव नहीं करना है ना, उसको तो अपने बच्चों को भी वो उसमें वो आता ही है। नेचर ने उसको सर्वाइवल स्किल बहुत स्ट्रांग बनाया एक वुमन को, एक
जी, इसीलिए उनके शक्ल पे एक शिकन नहीं रहती है, जब उनके पास बहुत परेशानियां रहती हैं तो मुस्कुराते हुए उसे मैनेज कर लेती हैं। आपका एक बहुत अच्छा उपक्रम है वी फॉर कैन, वी फॉर चेंज, वी फॉर चेंज, ये क्या है, इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, हमने कई साल तक आदिवासी क्षेत्र में काम किया, फिर गढ़चिरौली हो, छत्तीसगढ़ हो, उड़ीसा हो, आंध्र प्रदेश हो, हम बहुत घूमे देखा और वहाँ पे भी हमने काफ़ी सारा काम किया। और फिर लगा कि नहीं, क्योंकि कॉलेज स्टूडेंट्स से मेरा काफ़ी सालों से इंटरेक्शन रहा है और बहुत ही, मतलब हम लोगों का बहुत लगाव रहता है एक दूसरे के प्रति, एक फैमिली जैसे हो जाते हैं। जब क्लासेस होते हैं, एक्स्ट्रा क्लासेस होते हैं, एक ही क्लास में मैं दो तीन क्लासेस लेती हूँ तो एक फैमिली जैसे बन जाता है, तो वो ओपनली बोलते हैं। तो मुझे दिखा कि नहीं, यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा, मतलब मैं ऐसा नहीं कह सकती कि गाँव में ही सब प्रॉब्लम्स है, शहर में नहीं है, अमीरों में नहीं है, गरीबों में ही प्रॉब्लम्स है, मैं ऐसा कुछ नहीं कह सकती। जैसे कि वो हाईवे नाम की एक फिल्म आई थी, देखिए, तो वहाँ पे वो आलिया भट्ट, वो तो इतनी अमीर लड़की है लेकिन देखो बेचारी का रेस्टलेस नहीं, वो भी उतनी दबी हुई है जितनी एक गरीब लड़की है ना। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि अमीर लड़की है तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, अमीर लोग हैं तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, समस्या है सभी जगह रहती है, तो शहर में भी है। तो हम इसीलिए हमने वी फॉर चेंज शुरू किया और देसी मिट्टू नाम का एक प्रोग्राम लिया, जहाँ पे लड़कियाँ ईव टीजिंग का शिकार होती है तो वो खुल के आके, फिर वो घर से हो, बाहर से हो, बस स्टॉप पे हो, कॉलेज में हो, टीचर के साथ हो, किसी के साथ भी उनको ईव टीजिंग का शिकार होना पड़ा किसी की वजह से, तो वो खुल के सामने आई। और उस वक्त ऐसा है, मीनाक्षी के एक केस में बताती हूँ कि पूरा मीडिया था वहाँ पे और मुकेश जी भी आए हुए थे और पूरा मीडिया था सामने, और पूरे हमने ऐसा किया कि खुल के बोलो और अपनी तस्वीर लगाओ, क्योंकि लड़कियों को कहा जाता है, मतलब जो गुनाह करे वो छुपे, रेप के बारे में हमारे यहाँ पे जो मानसिकता है वो छुप जाए और जो गुनहगार है उसका नाम सामने है। तो लड़की क्यों, जैसे कि निर्भया के पापा ने कहा कि आने दो नाम सामने, तो जो फॉरेन मीडिया, उन्होंने वो लड़की का, निर्भया का नाम सामने लिया था, तो उसने क्या किया, उसकी क्या गलती है, शी लैंडेड इन रॉन्ग बस, बस स्टॉप पे एक बस आई और वो गई, इसमें उसकी क्या गलती है। तो बात यह है कि हम कितना छुपे, तो हमने उनका नाम भी डाला था। तो एक मुस्लिम लड़की थी, उसका जीजा ना उसे बहुत परेशान करता था, इतना परेशान सब लोगों के सामने करता था कि वो उसकी माँ उसके बुआ के हाँ वो जीजा आए तो भेज देती थी कि लड़की का, बड़ी लड़की का संसार भी बचे, छोटी को भी तकलीफ ना। तो उसने अपना फोटो नाम वगैरह दिया और लास्ट में वो विड्रॉ कर गई, क्योंकि मीडिया देखा घबरा गई, मेरे बहन का घर टूट जाएगा, विच वॉज क्वाइट राइट। तो हमने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, तुम मत बोलना। लेकिन फिर थोड़ी देर में फिर मीडिया भी बहुत नाराज हो गई कि हम कैसे करेंगे, इतना अपने हम आए थे कि इतनी महत्वपूर्ण आप बात कर रहे हैं। तो हमने कहा कि सिर्फ ये लड़की नहीं बोलेगी, बाकी है वैसा ही रहेगा। कार्यक्रम शुरू होने के बाद दो तीन लड़कियां सामने, फिर लास्ट में वो लड़की आई और उसने पूरी वो बोल के लब आजाद है तेरे करके उसने एक पोएम गाई और उसने फिर पूरा खुद होके बताया कि मेरे साथ ऐसा होता है और मेरा दम घुटता है, मैं वो स्कूल गोइंग लड़की थी, मेरा दम घुटता है जब मेरा जीजा मेरे साथ ऐसे करता है और मेरी बहन के साथ ऐसे हो रहा है और मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, मेरे माँ बाप मुझे छुपाते फिर रहे हैं, ये कैसा जीना है। देखने को बात तो छोटी सी है ना, वेरी ट्रू। क्या उसने टच किया, नहीं। क्या उसने ऐसा किया, क्या उसने वैसा किया, कुछ नहीं है, सिर्फ वो छेड़ रहा है, गंदे गंदे बात कर रहा है, इतना ही हो रहा है ना, वो लोग तो यही बोलेंगे ना, एक ट्रिगर लेकिन करता है। वो कितना ज्यादा वो परेशान थी उस चीज की वजह से। तो हमको दूसरों की परेशानी हमेशा छोटी लगती है, लेकिन वो आई, उसने एक्शन लिया, उसने कहा कब तक हम चुप रहेंगे, तो इसलिए उसने पहले वो पोएम गाई बोल के लब आजाद है तेरे। तो हम लोग चाहते हैं, फिर वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ और वहाँ से हमने काम शुरू किया और फिर लगातार करते रहे। राइट राइट जी। सेफ्टी की बातें, सिक्योरिटी की बातें बहुत की जाती हैं, कहते हैं कि अब महिलाएं जो हैं, हेल्पलाइन नंबर्स इतने आ गए हैं और महिलाओं को मदद पहुंचाने के लिए कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के साथ साथ पुलिस डिपार्टमेंट भी बहुत बेहतरीन काम कर रहा है, लेकिन सिक्योरिटी लेवल क्या लगता है कि आपको सच में महिलाएं उतनी सुरक्षित हैं हमारे भारत में? देखिए, आज के पेपर में आया है, अभी जो हमारे सीपीएम अमितेश कुमार जी, उन्होंने एक लिस्ट पब्लिश की है जो कि काफ़ी सारे एनजीओज को भी दिए हैं, बाकी के भी जो
ऑफिसेस है, कंसर्न डिपार्टमेंट्स, उनको भी शेयर की है. 176 ऐसे प्लेसेस उन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं नागपुर में जहाँ पे औरतें सेफ नहीं है. ओके. हाँ, और सभी को दरख्वास्त की है एरिया में कि आप, आपके यहाँ पे लाइट नहीं है, क्योंकि देखिए लाइट जैसी, रोशनी जैसी छोटी सी चीज़ है, लेकिन अंधेरी गलियों में क्राइम ज़्यादा होता है. तो क्या है इसका उपाय, क्या एक लाइट बल्ब तो जलाना है जी. तो बल्ब जलाओ वहाँ पे, है ना. तो ऐसी छोटी छोटी बातें होती है कि सेफ जगह कौन सी है, बहुत सुनसान गली है तो वहाँ पे कुछ आप ज़्यादा गश्त बढ़ा दो. तो ये सेफ्टी के तो वल्नरेबल जो प्लेसेस हैं वो आइडेंटिफाई किए पुलिस डिपार्टमेंट ने, और वहाँ पे वो चाहते कि अच्छा काम हो. अब ये तो कर दिया, अब इसके बाद वो फॉलोअप होगा कि नहीं, ये बहुत. तो फॉलोअप लेना हम जैसे लोगों का काम है. हम नागपुर में रहते हैं, जैसे हमारा एनजीओ है तो हमारा तो काम है ही, लेकिन हम नागपुर में रहते हैं तो नागपुर वासियों का ये काम है कि मेरे एरिया में लाइट जली हुई हो, मैं हमेशा कंप्लेंट करूंगी. मेरे एरिया में सेफ्टी हो, मैं हमेशा कंप्लेंट करूंगा या करूंगी. और ये मेरी खुद की, मेरी लोकेलिटी मेरी खुद की जिम्मेवारी है, मेरा शहर मेरी खुद की जिम्मेवारी है. वहाँ पे पब्लिक टॉयलेट हो, वहाँ साफ जगह हो, वहाँ पार्क हो, ये सब कुछ ये हम लोगों की भी जिम्मेवारी है. तो जब तक सोशल प्रेशर नहीं बनेगा तब तक शासन प्रशासन काम करने का तो हम सोच ही नहीं सकते. लोकतंत्र है तो लोगों को तो एक्टिवली पार्टिसिपेट. बिल्कुल सही कहा, वो हमारे लिए सारे उपक्रम चलाते रहे, हमें उन्हें सपोर्ट करने की बहुत ज़रूरत है. अगर इसमें हमारा सपोर्ट नहीं रहेगा, आम जनता का सपोर्ट नहीं रहेगा, तो वो सफल कैसे होगा जी. बहुत सारी महिला दर्शक और बहुत सारे लोग हमें देख रहे हैं, आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी, मैसेज तो जो मैंने अभी दिया वही मैं देना चाहूँगी. जो मैं हमेशा कहती हूँ कि हमारी लोकेलिटी, हमारा शहर, हमारा देश है, हमारी खुद की जिम्मेदारी है. और डर के आगे जीत है. तो लड़कियों को डराने के बजाय, या कुछ तेरे साथ कुछ गलत हो जाएगा, तो गलतियाँ करने से लड़कियाँ भी डरती हैं, उनको डराया भी जाता है. तो ममता कालिया की एक बहुत अच्छी पोएम है, कुछ गलत हो गया तो उसमें वो कहा कहती है कि माँ कहती है कि अरे तू बाहर मत जा शाम को 7 बजे के बाद, तेरे साथ कुछ गलत हो गया तो. पिताजी कहते हैं कि अरे यहाँ पे क्यों खड़ी है, हंस हंस के दरवाजे में फ्रेंड्स के साथ बातें क्यों कर रही, तेरे साथ कुछ गलत हो गया तो. भाई कहता है ये क्या है, तेरा सिनेमा जा रही है, तेरे साथ कुछ गलत हो गया तो. तो वो लड़की चली जाती है और फिर वो बोलती है कि माँ बोलती है अरे रोटी बना दे. तो बोलती है माँ मेरी रोटी अगर जल गई और गलत हो गया तो. पिताजी कहते हैं कि अरे तूने घर की साफ़ सफाई क्यों नहीं की, ये सब पूरा गंदा पड़ा हुआ है, धूल है. वो बोलती है पिताजी अगर साफ़ करते करते मेरे से कुछ टूट गया और कुछ गलत हो गया तो. भाई कहता है मेरा शर्ट क्यों नहीं धुला अब तक. तो वो कहती है कि अरे तुम्हारे शर्ट को दाग लग जाता, मेरे से फट जाता तो, कुछ गलत हो जाता तो. तो ये जो गलत हो जाता तो करके हमको डराया जाता है. तो कोई चीज़ों में डराया जाता है, कोई चीज़ों में नहीं डराया जाता है. लड़कियां ज़रूर सोचे कि क्यों डराया जाता है और डरना बंद कर दे, क्योंकि डर के आगे ही जीत है. थैंक यू सो मच रश्मि मैम. तो समाज सेवा में एक बहुत ही जाना पहचाना नाम और महिला क्षेत्र में एक बहुत तजुर्बा रखने वाली रश्मि पारस्कर आज हमारे साथ थी. बस इतना कहूँगी कि जब है नारी में इतनी शक्ति तो क्यों कहें नारी को बेचारी. बिल्कुल बेचारा कहना बंद कर दें, और अगर आप बेचारी कहलाई जा रही हैं तो सुनना बंद कर दें. आप में बहुत शक्ति है, आप बहुत कुछ कर सकती हैं. वुमेन एम्पावरमेंट का जो शब्द है वो कहीं ना कहीं उस पर अमल लाएँ, और बहुत सी चीज़ें हैं जो आप कर सकती हैं, बस हाथ में हाथ मिला के, कंधा से कंधा मिला के करते जाएँ. वीके भी विशेष में बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और अतिथि के साथ, तब तक ले दीजिएगा इजाजत. नमस्कार.